नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ दिव्या शेखावत योगा ट्रेनर जुड़ गई हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। तो आज हम दिव्या से जानेंगे थायराइड के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों में, बहुत महिलाओं में ये परेशानी देखने को मिलती है और इसका इलाज उनको नहीं मिलता है। लेकिन क्या थायराइड का इलाज योगा से, आसन से संभव है? दिव्या, सबसे पहले सवाल यही, क्या दिव्या योगा से, आसन से थायराइड सही हो सकती है? बिल्कुल मेगा, काफ़ी ऐसे रिसर्चर्स में देखा गया है, काफ़ी ऐसे रिसर्च हुए मेगा कि जिसमें जिन्होंने कंटिन्यूसली अगर योगा को अपने लाइफ में ऐड किया है तो उनका धीरे धीरे थायराइड कम हुआ है। और कई लोग जो कि काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसे कर रहे हैं, उनका कुछ हद तक जो थायराइड है वो ख़त्म भी हो चुका है। जी, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आप इसे ध्यान से समझिएगा कितना आपको करना है, क्योंकि हम हर एक्सरसाइज आपको दो बार रिपीट करके बताएंगे। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे आपको करना है, सही एक्सरसाइज सही तरीके से कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, जैसे कि सबको जो थायराइड के पेशेंट होंगे उन्हें इजीली पता होगा कि जो थायराइड है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड और एक होता है हाइपरथायराइड। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो हाइपोथायराइड के अकॉर्डिंग करेंगे। जिनको हाइपोथायराइड है उनके लिए जो हम आसन करेंगे वो होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप आसन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो दवाइयाँ हैं उनसे दूर नहीं होना है। दवाइयों को भी आप साथ में लेते रहिए। कहीं आप सोचे कि आप योग आपने अभ्यास प्रारंभ कर दिया और दवाइयों को आप एक साइड में रख दें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दवाइयाँ भी साथ के साथ अपने लेते रहनी है और साथ में ये आसन भी आपको करने हैं। तो चलिए पहले हम करते हैं हाइपोथायराइड के लिए। तो सबसे पहला जो आसन हम करेंगे वो है सेतुबंधासना, ब्रिज पोज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कमर के बल लेटना होगा। तो चलिए एक साइड में करवट लेते हुए अपने कमर के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को बीच में थोड़ी दूरी, लंबी गहरी सांस लें और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें अगले आसन के लिए, जो कि हमारा पहला आसन है ब्रिज पोज। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे। अक्सर लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि वो पैरों को कितनी दूरी पर रखें। तो सबसे सीधा और साधारण जो आपको मेज़रमेंट करना है वो आप अपने हाथों से करें। आपकी हथेली की जो सबसे बड़ी अंगुली जो मध्यमिका है उसे आप अपने हिप्स के पास में रखें और जहाँ आपकी एड़ी आपकी मध्यमिका से, आपके मिडल फिंगर से टच हो रही है वहाँ अपने पैरों को आप रखें। उतनी ही दूरी आपको रखनी है और फिर बाद में लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हिप को और बैक को जितना आप ऊपर कर सकें उतना ले जाएं और 30 सेकंड तक कम से कम होल्ड करें। सांस लेते रहें एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, कंटिन्यू सांस लेते रहें। अगर आपको ये करते हुए अगर लग रहा है कि आपके घुटनों पे बहुत ही ज़्यादा अगर जोर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ इस आसन को करने में गलती कर रहे हैं, तो आप वापस से इसे रिलैक्स करके और पुनः इसी आसन में आने का प्रयास करें। हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। इसे एक बार फिर से हम करेंगे अपनी हथेलियों की जो मध्यमिका है उसके बराबर, उसके पास में अपनी एड़ियों को रखें और जहाँ आपके पैरों के पंजे हैं उतना ही आपके घुटनों के बीच में भी गैप रहे। आप ये गलती ना करें कि आपके पैर का गैप तो ज़्यादा है और घुटनों का आपने एकदम ऐसे अड़ा दिया है। आपको हमेशा अपने पैरों का गैप इस तरीके से रखना है, आपकी एंकल की इक्वली आपका नी हो और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हिप अप एंड देन बैक अप। स्टे देयर, कुछ पल के लिए रुकें, लंबी गहरी सांस लेते रहें, इनहेल एक्सहेल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। अगर कंफर्टेबल है तो आप अपनी आंखें भी इसमें बंद कर सकते हैं एंड देन रिलैक्स।
And now, relax your legs. लंबी गहरी एक बार श्वास लेंगे and then exhale. And then slowly, slowly turn to the right side. And then sit down. थायराइड के पेशेंट जो भी आसन को करें तो बीच बीच में आप थोड़ा रिलैक्सेशन, एक मामूली सा शवासन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थायराइड का जो कारण है उसे एक सभी कारणों में से एक कारण जो है वो टेंशन, तनाव का होना भी है. तो आप रिलैक्सेशन जितना देंगे अपने शरीर को हर एक आसन को करते समय, तो आसन का फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ में आपका जो तनाव है उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे. जी, और दिव्या, ये जो हमें आपने आसन बताया, एक्सरसाइज बताई, उसे हमें कितनी बार करना है? इसे कम से कम मेगा 3 बार करना है. और जब 3 बार करें तो उसे 30-30 सेकंड की आपको होल्डिंग आपको रखनी है. और फिर जैसे धीरे धीरे आप उसे टाइमिंग अपना बढ़ाते रहें. मैं हर एक आसन में यही कहती हूँ कि जितनी आपको होल्डिंग करनी है, नॉर्मल अंदाज़ा आपको लग ही जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो अंदाज़ा लगाने वाले सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं वो आप अपने खुद ही हैं. लेकिन बस थोड़े सा आपको जागरूकता की ज़रूरत है कि हमारी शरीर हमसे क्या डिमांड कर रहा है. जी, और अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आसन, अगला आसन कौन सा है ये भी देखते हैं. मेघा, नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे सर्वांगासन, जैसे कि नाम से ही प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अच्छे से कि सर्व अंग आसन, सर्वांगासन मतलब हमारे शरीर के हर एक अंग इसमें यूज में आएगा. हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो है बॉडी के हर एक पार्ट तक अच्छे से जाएगा. तो चलिए हम करते हैं सर्वांगासन, और किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं बताऊंगी. और डेफिनेटली ये बिगनर्स के लिए करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके जगह भी आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है वो भी हम अभी जानेंगे. तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने कमर के बल ही लेटना है. तो अपने एक साइड में करवट लेते हुए कमर के बल, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी आसन को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स करा लें अपनी बॉडी को. और इनहेल एंड एक्सहेल, देन मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ, विजुअलाइज करें अपने आप को सर्वांगासन में. और फिर अपने दोनों पैरों को पास में लेके आए, लंबी गहरी सांस लेते हुए लेग्स अप, हिप अप, एंड देन बैक अप. इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ आपको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है. स्टे देयर, कोशिश करें अपने पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ खींचने की, ताकि आपका बैलेंस बना रहे. अगर आप राइट साइड में इस तरीके से डगमगा रहे हैं तो अपने लेफ्ट साइड को आप टाइट कीजिए, और अगर लेफ्ट साइड में आप हो रहे हैं तो अपने राइट साइड को टाइट करते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करें. अपने हिप्स को टाइट रखें ताकि आपका बैलेंस बना रहेगा. ये बहुत ही अच्छा आसन है जिनको हाइपोथायराइड है उनके लिए. और फिर आपको इसे रिलैक्स कैसे होना है वो भी जान लीजिए. पहले अपने पैरों को धीरे धीरे इस तरीके से, एकदम झटके से नहीं आना है, पीछे की तरफ लेके जाना है. धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स कराएं, फिर अपने कमर के बल आएं, और फिर पैरों को बैंड करना है. और इस तरीके से आपको ये आसन से वापस से रिलैक्सिंग पोज में आना है. अब बेशक कुछ आप में से होंगे जिन्हें अभी आसन नहीं हो पाया, तो इसका दूसरा तरीका हम जानेंगे कि कैसे, अगर जो ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करना है, और फिर अपनी बॉडी को इस तरीके से पुश करना है जितना वो कर पाए, और यहीं पे होल्ड करना है. तो यहाँ पे होल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो धीरे धीरे डाउन, देन अगेन हाथों से अपने हिप्स को यू पुश करें, देन अगेन डाउन. क्योंकि जब तक आपकी बैक स्ट्रांग भी नहीं होगी तब तक आप एकदम सर्वांगासन में नहीं जा पाएंगे. तो हर बार इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को पुश करें, होल्ड करें कुछ देर वहीं पे, एंड देन अगेन रिलैक्स. तो चलिए एक बार पूरा सर्वांगासन में चलते हैं, और कैसे रिलैक्स किया जाता है उसे भी जानेंगे. और जिससे नहीं हो पाया तो जैसा अभी हमने किया वो वैसे ही करें.
स्टे देयर, फोकस ऑन द ब्रेथ. और जो इसमें परफेक्ट हैं, जो ये भी इजीली कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कि अपने पैरों को इस तरीके से चलाते रहें. वन लेग डाउन, देन अप, देन अनदर लेग डाउन एंड अप. और बाकी इसी में स्टे करें. और फिर रिलैक्स किस तरीके से करना है वो देखिए एक बार फिर से ध्यान से. पहले अपने पैरों को जितना ले जाए, अगर नहीं लेके जा पा रहे तो यहीं पे पैरों को बैंड भी कर लीजिए. और फिर धीरे धीरे अपनी कमर को रिलैक्स कराएं और फिर अपने पैरों को भी रिलैक्स कराएं. और इसके बाद में ज़रूरी है आपका कि आप कुछ पल के लिए शवासना में रिलैक्स करें. और शवासना करते टाइम अपने पैरों को थोड़ा गैप बना के रखें, हाथों के बीच में भी थोड़ा गैप. और आँख बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं. इनहेल डीपली, देन एक्सहेल कंप्लीटली एंड बॉडी रिलैक्स्ड. इनहेल, एक्सहेल. कुछ पल के लिए रिलैक्स करने के बाद में धीरे धीरे अपनी राइट साइड में करवट लें. राइट साइड में करवट लेके बैठ जाए. तो ये हुआ हमारा हाइपोथायराइड के अकॉर्डिंग जो हमें आसन करने चाहिए और जिनसे बहुत ही मददगार आपको जो आसन रहते हैं वो यही आसन है. बहुत सहायता मिलेगी आपको. अगर आपको हाइपोथायराइड है तो इन आसन को आप बिल्कुल कीजिए. जी तो दिव्या, हमें ये कितनी देर होल्ड करना है? क्योंकि बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आपने बताया कि आप वेरिएशन कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मेघा, जैसे कि वेरिएशन मैंने बताया, तो आपका अगर पहले वाले वेरिएशन जो आप कर रहे हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए जो वेरिएशन बताया गया था फर्स्ट वाला कि आपको अपने हिप को पुश करते रहना है, तो उसमें आपको हिप एटलीस्ट आपको एक मिनट तक तो कंटिन्यूसली अपने हिप को पुश करना है और आगे की तरफ आपके अपने पैरों को आपको लेके जाना है. और जब आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए, उससे थोड़ी फैमिलियर हो जाए आपकी बॉडी कि आपकी बॉडी को पुश किया जा रहा है, आपको बैक साइड में आपके पैरों को लेके जाना है आगे की तरफ, फिर उसके बाद में आपको कम से कम एक बार पुश करना है अपने हिप्स को और वहाँ पे उसी जगह आपको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है. और जो लोग इजीली ऊपर लेके जा सकते हैं अपने पैर को सर्वांग आसन में, वो 40 से 50 सेकंड आप होल्ड कीजिए इजीली अगर आप कर पा रहे हैं. और उससे भी अगर ज़्यादा आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ कर रही है तो आप एक मिनट तक भी इसे होल्ड कर सकते हैं. बहुत ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. तो ये बहुत ही अच्छे आसन है जो कि है हमारे हाइपोथायराइड के लिए. और उसके बाद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगी कि शवासना मतलब कि आपको उसमें रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है. कन्फ्यूज़न होता है कि शवासना किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, तो आपको सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है. इनहेल के साथ में आपको अपनी बॉडी पे फोकस लेके आना है और एक्सहेलेशन के साथ में श्वास का रेचक करते टाइम में आपको अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है. और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे जब आप लेके आएंगे और लंबी और गहरी सांस जब लेंगे तो आपके शरीर को ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, आप तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे. जी दिव्या, क्या सर्वांगासन से थायराइड के अलावा और भी किसी तरह के लाभ मिलते हैं? बिल्कुल मेघा, जैसे कि इस आसन को तो अगर अपन कहा जाए कि सभी आसनों का अगर राजा इसे कहा जाए तो कम नहीं है. और जैसे कि सर्व अंग आसना के हमारे शरीर का हर एक अंग तक इसका जो ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी का जो फ्लो होता है वो हर एक पॉइंट तक पहुंचता है. तो अगर आप की कमर में कोई दर्द नहीं है या फिर आपको आपके कोई इंजरी अगर नहीं है या फिर अगर जैसे इससे कई बार कहा जाता है कि ये डिपेंड करता है कि वो लेडी अगर स्टार्टिंग से अगर योगा कर रही है तो प्रेग्नेंट लेडी भी इसे करती हैं. लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो इस आसन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कई बार होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं आसन वगैरह, तो उन्हें लगता है कि शायद वो कर लेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको कुछ आसन जो है वो अवॉइड करने हैं, तो उसमें ये आसन अवॉइड करना है. और जब आपके बॉडी के जब सर्व अंग आसन आप करेंगे, हर एक बॉडी तक आपका फ्लो जब जाएगा, ब्लड फ्लो जब आपकी बॉडी में रहेगा हर एक पार्ट तक जाएगा, तो आपका बॉडी का हर एक पार्ट में जो भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनको ऊर्जा मिलेगी, उनको प्राण मिलेगा. और जब आपकी ऊर्जा आपके टिश्यूज़ तक पहुँचेगी, आपके फ्लो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हर एक टिश्यू और ऑर्गन तक पहुँचेगा, तो उनका
कितने अच्छे तरीके से पालन पोषण, एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनका कितने अच्छे तरीके से उनका जीवन जो है हमारे अंदर अच्छे तरीके से रहेगा। चलिए, तो ये तो दो आसन के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे कि क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको ये आसन करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की। अगर आपको भी थायराइड है या आपके आसपास किसी को थायराइड है, तो वो कैसे जा सकता है, कैसे धीरे धीरे कम हो सकता है, आप कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये हमें दिव्या आज बता रही हैं। दो आसन आपको बताए दिव्या, अब कौन सा आसन हम करेंगे? नेक्स्ट जो मेगा हम कर रहे हैं वो हम करेंगे हाइपरथायराइड के लिए। जो जिनको हाइपरथायराइड है उनको कौन से आसन करने चाहिए, तो उनको स्पेशली उनको ऐसे आसन करना चाहिए जिनसे उनकी जो गर्दन है उस पर तनाव अच्छे से जाए, खिंचाव अच्छे से जाए, तो वो आसन उन लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम उनके लिए किया जाएगा आसन, वो एक आसन भी है और कहीं ना कहीं उसको जो फिश योगा में उसे आसन कहा जाता है और नॉर्मल उसे टैपिंग एक्सरसाइज कही जाती है, तो वो हम करेंगे। जैसे सबको पता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले पर होती है, तो उसे किस तरीके से किया जाएगा, तो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी गर्दन को इस तरीके से ऊपर उठाना है, अपने मुंह को खोलना है और जो आपकी जो नीचे वाली जो टिथ लाइन है उससे अपने ऊपर वाली टिथ लाइन से ऊपर ले जाके रखना है। किस तरीके से एक बार देख लीजिए, आपने मुंह को ऐसे खोला एंड देन आपकी जो नीचे वाली टिथ लाइन है वो आपकी ऊपर वाली टिथ लाइन से ऊपर, नॉर्मली हमारी वो पीछे की तरफ रहती है लेकिन अभी उसे आपको मुंह को खोलना है और आगे की तरफ ऐसे लेके आना है। ये हम करेंगे गर्दन को ऊपर करके, तो आप देखिएगा आप जब करेंगे आपको बहुत ही अच्छा एक खिंचाव महसूस होगा अपने गर्दन पे। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेते, फिर लुक अप एंड देन ओपन योर माउथ एंड क्लोज, कंटिन्यू ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, कंटिन्यू करें इसे। देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा एक खिंचाव महसूस होगा और साथ ही साथ जिनको डबल चिन की भी इशू रहते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी दिव्या, ये आपने बताया एक और एक्सरसाइज, इसके अलावा जल्दी से एक और एक्सरसाइज आपसे जाना। बिल्कुल, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा धनुरासना, तो उसके लिए हमें पेट के बल लेटना होगा, एक साइड में करवट लेते हुए अपने पेट के बल लेट जाएं और फिर अब अपने दोनों पैरों को बैंड करें, अपने एंकल्स को कैच करना है और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप, गर्दन ऊपर की तरफ खिंची हुई, होल्ड करें 10 से 15 सेकेंड और फिर रिलैक्स करें। मकरासना में रिलैक्स करें, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार पुनः करेंगे, अपने दोनों पैरों को बेंड करें, कैच योर एंकल एंड विद द इनहेलेशन गो अप, गर्दन को जितना ऊपर खींच सके, स्ट्रेचिंग अच्छे से दें अपने हाथों को, लंबी सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर खींचने की कोशिश करें, 10 से 15 सेकेंड ये होल्ड करें और फिर रिलैक्स कंप्लीटली
फिर धीरे धीरे चाइल्ड पोज में जाएंगे, शशांक आसन करेंगे। रैबिट पोज, रिलैक्स कराएं, हाथों को अपने हील्स के पास ले जाएं। फिर रिलैक्स कराना बहुत ही ज़रूरी है, जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फायदेमंद है यह आसन। और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर ले जाते हुए रिलैक्स्ड और फिर नॉर्मल आसन में बैठ जाएं। और उसके बाद में आप एक कपाल भाती जो क्लिंजिंग प्रोसेस है वह भी कर सकते हैं, जो कि हाइपो और हाइपर दोनों के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। चलिए तो दिव्या, ये जो आपने हमें आसन बताया ये कैसे फ़ायदा देता है, क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए प्रिकॉशंस? बिल्कुल मेगा, जैसे कि स्पेशली थायराइड के लिए है तो थायराइड में तो ये फ़ायदा देता ही देता है। और उसी के साथ में जैसे अभी हमने पहले जो गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करके किया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको डबल चिन के अंदर फ़ायदेमंद वो आसन रहेगा। धनुरासन जो है हमारा वो हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि योगा में माना जाता है और ये बेशक सही भी है कि जितनी आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। और उसी के साथ में जैसे थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैंने बताया कि कपाल भाती भी आपको करना है, क्योंकि ये दोनों ही थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है कपाल भाती करना। जी दिव्या, कोई खास टिप जो थायराइड जिनको है उनके लिए, कुछ डाइट के लिए या कुछ क्या खाना पीना? सबसे जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि थायराइड का कोई भी एक रीज़न जो अच्छे से डायग्नोज नहीं हुआ है, कईयों का कहना है कि नमक की कमी की वजह से होता है, और कई कहते हैं कि जेनेटिक ही आता है, या फिर कुछ कहते हैं कि ज़्यादा तनाव से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ये हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना भी अपना जीवन आप जी रहे हैं बेझिझक, बिना किसी चिंता के और प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिल रही है उसी को अपने भोजन में लेके आएं, उसी को अपने जीवन में लेके आएं, और अपने जीवन को जितना साधारण तरीके से जी सकते हैं, शांति के साथ जी सकते हैं, बिना किसी टेंशन के आप जिए, तो थायराइड आपका धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएगा। योगा कीजिए और मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत ही आपको शांति की अनुभूति होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जी तो दिव्या, आपने आसन भी हमें बताया, कुछ खास टिप्स भी आपने बताए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेघा। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।